पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजादी के 75वें वर्ष को मुरादाबाद के ईपीसीएच कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईपीसीएच के कार्यालय पर राष्ट्रध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अवधेश अग्रवाल, सेंट्रल रीजनल कोऑर्डिनेटर अनुज कुमार, डीआईसी जिला उद्योग केंद्र मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने ध्वजारोहण करते हुए कहा कि ये स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों का कर्ज है और हम इसे जीवन भर नहीं चुका सकते, लेकिन इस स्वतंत्रता को हर प्रकार से बरकरार रखना भी हम सभी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इस अवसर पर प्रवीण रावत, आलोक पांडे, गुलाब सिंह अनुढल, तान्या भाटिया और अन्य सम्मानित निर्यातकों ने सम्मिलित होकर स्वतंत्रता दिवस को मनाया। देखिए, आज ईपीसीएच के मुरादाबाद स्थित कार्यालय में हम 75वां आज़ादी का दिवस मना रहे हैं और ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हम लोगों को आगे भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। वह अपने निर्यात को और ईपीसीएच के योगदान से भारत के निर्यात को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आशा है 500 ट्रिलियन तक पहुंचाने की, उसकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा। मैं ईपीसीएच के सेंट्रल रीजनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर व सदस्य के तौर पर समस्त ईपीसीएच के मेंबरों को, जनपद के निर्यातकों को और भारतवर्ष के निर्यातकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस आज़ादी के दिन की। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।